यूपी में 10 राज्यसभा सीट को लेकर वोटिंग हो रही है। सोमवार से लेकर अब तक सपा में लगातार बगावत देखने को मिली। इसमें अखिलेश यादव के करीबी और सपा के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे समेत कई विधायक एनडीए के खेमे में नजर आए। पर इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव ने राज्यसभा की 10 सीटों पर मतदान के बीच सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर की है। एक तस्वीर में जहां अखिलेश अपने विधायकों से बात करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में अखिलेश और जया बच्चन बैठे हुए हैं, साथ में सपा के कुछ विधायक हैं। इसी के साथ पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने दामन छोड़ने वाले विधायकों को संदेश दिया। लिखा, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। फिर आगे अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा, अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने ये जाहिर किया कि तीसरी राज्यसभा सीट विधायकों की परीक्षा के लिए थी और वो जीत गए हैं। पर जो भी हो, लेकिन ये बात भी साफ हो गई है कि कौन अखिलेश के साथ है कौन नहीं। अगर यही जाने वाले विधायक लोकसभा चुनाव के बीच में धोखा देते तो अखिलेश को बड़ा झटका लग सकता था। हाँ, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं का दौर जारी रहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।